ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही। हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सौरभ गुप्ता जी अपनी पूरी टीम को लेके आज कठुआ में आए हैं। SSP कठुआ साहब से हम मिलना चाहते हैं, एडिशनल SP साहब से मेरे SP साहब से अभी मिलना है, कुछ बातों पे चर्चा करनी है उनसे। जैसे भाई जी ने बताया कि आतंकवाद के मुद्दे पे, गो तस्करी पे आए दिन, आपको पता भी कीड़िया गनियाल के पीछे गो तस्करी कितना बड़ा नेक्सस है और इलीगल माइनिंग जिसके लिए लगभग पिछले 4 साल से लड़ रहा हूँ सबको पता है, जबकि सारे प्रूफ सारे हमारे पास हैं, लेकिन ये लोग फिर भी गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे। वो प्रशासन की आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और जैसे बताया कि मेरे को कई बार थ्रेट्स भी आए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का जो आज मेरे एग्रे पे मेरे पास आए, हम इस बीच पे चर्चा करेंगे, बैठ के डिस्कशन करेंगे और जो मुद्दे हैं जो 18 तारीख भगवा यात्रा पंजाब में निकल रही है पठानकोट में, मैं इनको समर्थन करने जाऊंगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी प्रशासन SSP साहब हमारे कठुआ जम्बाल साहब और DC साहब काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन ने इसमें कोई डील बरती तो हम पूरा पंजाब और पूरा जम्मू कश्मीर की शिवसैनिकों को लेके वो दिखा देंगे अपना रुख कि अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए भी लड़ सकते हैं। क्योंकि ये लोग आए दिन ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ रहे, गुंडागर्दी मचा रखी है, मेरे पास पूरे प्रमाण हैं इनके खिलाफ। और आपको पता होगा कि पहले जो ब्रिज बना था उसको बचाने के लिए जिला प्रधान थे उस पर प्रेरणा डोगरा साहब ने काफ़ी अच्छा हमारा सहयोग किया था, लेकिन अभी दोबारा वो पुल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हमारे में जान है। ये लोग सोचते हैं कि हम चंद डिपार्टमेंटों में बैठे अफसरों को खुश करके कुछ ऐसे वैसे एलिगेशन लगा के हम इनको मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके खिलाफ भी हमारे पास बहुत प्रमाण है। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमने बताया आतंकवाद हो गया, गोश मंगलिंग होगी, और देखिए मैं अपनी जान को हथेली पे रख के पुलिस चौकी के पूरे लोगों को लेकर 2 दिन पहले रात को विजिट किया जहाँ से गोश तस्करी शरेआम होती है, ड्रग्स चिट्टा शरेआम बिक रहा है, लेकिन उस पर कोई प्रशासन इतनी सख्ती दिखा नहीं रहा है, पर जेल लोग उसमें पूरे इन्वॉल्व हैं क्योंकि क्रैशर के बीचों से बीच रास्ता है जिससे जो गुंडागर्दी हो रही है। तो इसी के लेके हमारी आज जहाँ आए चर्चा करेंगे, बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे और 18 तारीख को भगवा मार्च निकालेंगे। ज़रूरत पड़ी तो फिर जम्मू कश्मीर में भी अपने तरीके से काम करेंगे जैसे शिवसेना करती है। मैं इतना ही कहूँगा, हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप इन बातों पर ध्यान लाइए ताकि कोई माहौल ख़राब ना हो। अगर मेरे फैमिली भी जैसे मेरे को थर्ड सारे आए भी हैं, अगर मेरे फैमिली को या मेरे को या मेरे किसी साथी को कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हम पूरे जम्मू और पंजाब के लोग प्रशासन का घेराबंदी करके DC ऑफिस की घेराबंदी करेंगे। करके पहुँचे हैं अज जो सा अज का जो मुद्दा, मैं अपने दसागा, मैं सौरभ गुप्ता शिवसेना राष्ट्रीय भगवा तो युवा राष्ट्रीय प्रधान, मैं अज कठुए पहुँचा है। मेरा इतने मेन आने का कारण है कि साढ़े जे जम्मू कश्मीर के सीनियर राज्य प्रमुख ने महिंद्रपाल जी, उन्हां कोल असीं आए हैं। बहुत जल्द ही एक पठानकोट विच 18 तारीख नूं इत्थे जिहड़ा भगवा मार्च जिहड़ा उह कढ़िया जा रहा, आतंकवाद के खिलाफ यह मार्च कढ़िया जा रहा, गऊ तस्करां के खिलाफ यह मार्च कढ़िया जा रहा, नशा तस्करां के खिलाफ यह मार्च कढ़िया जा रहा। साढ़े महिंद्रपाल जी नूं जिहड़े ये साढ़े उत्थे आणगे, उत्थे आ के सानूं अपना जिहड़ा समर्थन है ये उत्थे देणगे। दूजी गल जिहड़ी मेन गल ये है कि ये बहुत ही वधिया काम जिहड़ा जे जम्मू कश्मीर विच जिहड़ा कर रहा है, बॉर्डर एरिया लगता कठुआ साडा पंजाब दा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, ये लैंड माफिया माइनिंग माफिया के खिलाफ बहुत ही इन्होंने प्रोटेस्ट जिहड़ा कर रहे हैं, गऊ तस्करी के खिलाफ, नशा तस्करी के खिलाफ, ये जिहड़ा इत्थे कोई ना कोई जिहड़ा काम है जां कोई ना कोई प्रोटेस्ट ये करते आ रहे हैं, उहनां दे चलदे इन्हां नूं काफ़ी सारी जिहड़ी है थ्रैट भी आ रही है। मैं प्रशासन अगे यही अपील करांगा कि जो इन्हां दी बनदी सुरक्षा आ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।